तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के विंडोज़ के पार्ट्स के बारे में। जब आप यहाँ पे एक्सेल की विंडो ओपन करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन जो आपको दिखती है एक्सेल की विंडो में, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही बिगनर वीडियो है, जिनको एमएस एक्सेल नहीं आता ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको एमएस एक्सेल के पार्ट्स की पूरी जानकारी हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ एक्सेल लर्निंग के चैनल में। और ऐसे एक्सेल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वाली वीडियो। जैसे कि दोस्तों हमने एमएस एक्सेल की विंडो यहाँ पे ओपन करी है, और जैसे एक्सेल की विंडो ओपन करते हैं तो जो टॉप पे आपको यहाँ पे दिखता है ना, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे आपको यहाँ पे अपना फाइल का नाम दिख जाता है, मतलब टाइटल दिख जाता है जिस फाइल में भी आप काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए बुक वन है, लेकिन अगर आपने कोई नाम डाला हो या इस फाइल को सेव करा हो तो ये वाला नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड आपको तीन बटन्स मिल जाएंगे, एक होता है आपका मिनिमाइज जिससे विंडो मिनिमाइज होती है, दूसरा होता है मैक्सिमाइज, और तीसरा होता है आपका क्लोज बटन। और बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार, जिसकी मदद से आप क्विकली बहुत सारे आइकन्स को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। इसको जिसके नीचे बिल्कुल आपको यहाँ पे पूरा बॉक्स मिल जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिबन्स, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। और रिबन्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारे टैब्स होते हैं, मेन्यू टैब्स होते हैं, जैसे कि ये होता है आपका होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। और हर मेन्यू टैब के अंदर आपको यहाँ पे ग्रुप्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे पेज सेटअप का ग्रुप है, स्केल टू फिट का ग्रुप है। वैसे अगर यहाँ पे होम टैब में भी जाएंगे आप, यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स मिल जाएंगे, और हर ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके नीचे होता है आपका यहाँ पे नेम बॉक्स, मतलब जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपनी शीट में, उस सेल का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे इस सेल का नाम है I3, वैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस सेल का नाम है आपका D2। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला सेल आपका यहाँ पे ई कॉलम में है और फोर्थ रो में है, तो इस सेल का नाम हो गया E4। इस ढंग से दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल नेम बॉक्स के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है फॉर्मूला बार, मतलब जब भी आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। अब बारी आती है कि जब आप यहाँ पे एक्सेल में काम कर रहे हैं, इस पूरी शीट को क्या कहते हैं, इस पूरी शीट को कहते हैं यहाँ पे वर्कशीट। और वर्कशीट क्या होता है, वर्कशीट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वर्कशीट के अंदर यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं, और ये बॉक्सेस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं रोज और कॉलम्स के। रोज मतलब ये वाली हॉरिजॉन्टल रोज होती है, और कॉलम्स मतलब वर्टिकल होता है। अब जब दोनों को कंबाइन करते हैं इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सेल, मतलब जब आप रोज और कॉलम दोनों यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट हुए तो आपको एक बॉक्स यहाँ पे नजर आ जाएंगे अलग अलग, इनको हम बोलते हैं सेल्स। और जिस सेल पे आपने यहाँ पे क्लिक किया उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। और जिस सेल पे आप क्लिक करेंगे ना, मतलब ये वाला एक्टिव सेल, इसका नाम आपको यहाँ पे डिस्प्ले होएगा नेम बॉक्स में, मतलब जैसे कि H4 है, मतलब H4 आपका एक्टिव सेल है, मतलब आप इसमें काम कर रहे हैं। वैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस सेल का नाम है सी कॉलम में है, थर्ड रो में है, तो मतलब C3, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। इसके बाद दोस्तों जब आप नीचे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मिल जाता है आपको शीट टैब्स, मतलब अलग अलग शीट में आप अलग अलग काम कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे बहुत सारी शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में इस प्लस बटन की मदद से, मतलब अगर आपने न्यू शीट इंसर्ट करनी है तो आप इस प्लस बटन पर क्लिक करिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिल जाएगा, और यहाँ पे होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, मतलब अगर आपका डाटा बहुत सारा है और आपने स्क्रॉल करके देखना है तो आप इन दोनों स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रीव्यू बटन्स, और यहाँ पे मिल जाता है आपको जूम इन और जूम आउट, मतलब अगर आपने किसी चीज को जूम करना है या जूम आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी एक्सेल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।